सो बहुत दिनों से शोने एनिमे देखते देखते मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा पक गया था। लाइक सेम टाइप का स्टोरी लाइन, सेम एक्शन फाइट सीक्वेंस और बहुत कुछ। उस चीज को थोड़ा चेंज करने के लिए मैं ढूंढने लगा कुछ ऐसा वाला एनिमे जो कि कुछ अलग टाइप का होगा और जो कि मैंने पहले ज्यादा नहीं देखा होगा। और तभी मुझे याद आया कि मेरे वॉच लिस्ट में ऐसे बहुत सारे एनिमे जो कि मैंने नहीं देखे आज तक। एंड आई थिंक ये बात सब लोग रिलेट भी कर पाएंगे कि सब लोग के पास ऐसा एक लिस्ट होता है जहाँ पे उन लोगों का कुछ ऐसे एनिमे होते हैं जो कि वो लोग देखना तो चाहते हैं लेकिन कभी उन लोगों का टाइम ही नहीं देखने के लिए। और ऐसे करते करते वो लिस्ट बढ़ता ही जाता है। सो उस लिस्ट में से मुझे एक ऐसा एनिमे मिला जो कि काफी ज्यादा अच्छा था और मेरा मूड उससे पूरा का पूरा चेंज हो गया। सो हेलो एंड स्वागत है आपका एक बिल्कुल नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले एक ऐसे एनिमे को जो कि काफी ज्यादा अलग टाइप का है और सबसे बड़ी बात इसके हर एक कैरेक्टर कुछ अलग रोल प्ले करते हैं और इसके हर एक कैरेक्टर से आप कुछ ना कुछ सीखोगे और हर एक कैरेक्टर आपको कुछ रियलाइजेशन भी देगा। और मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी मिया के बारे में। तो 2021 में आया ये वाला एनिमे बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लाइक मैं इसको अंडररेटेड नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसको देख चुके हैं और बहुत सारे लोग नहीं देखे क्योंकि वो लोग न्यूबीज है। तो मैं उन न्यूबीज को जाके बोलने वाला हूँ कि इस एनिमे को जल्द से जल्द चेकआउट करो इस वीडियो को देखने के बाद। सो बेसिकली इस एनिमे का प्लॉट है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। टोटल 13 एपिसोड है इस एनिमे का और इसका कोई भी सीजन 2 नहीं है। हाँ बहुत लोग बोलेंगे सीजन 2 है लेकिन वो एक साइड स्टोरी है, वो एक्चुअल मांगा को पोर्ट्रेट नहीं करता। इसका जो सीजन 2 है वो बहुत ही ज्यादा अलग है और बहुत सारे अलग अलग चीजों के ऊपर बात किया गया है और थोड़े बहुत ही मांगा के कुछ बचे कुछ चैप्टर्स को लेके वो लोग सीजन 2 बनाए हैं। तो इसीलिए मैं उसको सीजन 2 ना बोल के एक साइड स्टोरी बोलने वाला हूँ। तो जब मैंने इस एनिमे को देखना स्टार्ट किया तो मुझे लगा नहीं था कि ये एनिमे इतना ज्यादा अच्छा हो जाएगा एंड तक आते आते, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में मुझे बहुत ही स्लो लगा ये एनिमे और मुझे ग्रैप करने में बहुत दिक्कत हो रहा था। पर एक एपिसोड देखने के बाद मैं उसको नहीं छोड़ने वाला था, इसीलिए मैंने सेकेंड एपिसोड भी देखना स्टार्ट किया एंड देयर आई गॉट इट। और ठीक तभी से मुझे इंटरेस्ट आना भी स्टार्ट हो गया। एंड एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये वाला एनिमे रोम कॉम एनिमे है, लाइक रोमांस और कॉमेडी के ऊपर, और ये एनिमे अपने जॉनर के अंदर ही रहता है। लाइक बहुत सारे एनिमे होते हैं ना कि एक जॉनर का होता है लेकिन वो दिखाते हैं कुछ दूसरे जॉनर का। लाइक निंजा कामुई वो था एक्शन और निंजा इसके ऊपर लेकिन वो चला गया मेका के ऊपर जो कि वो था ही नहीं। सो वैसा कांड इस एनिमे पे नहीं होता। इस एनिमे के एक चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पे जो दो कैरेक्टर हैं होरी और मियामुरा वो दोनों मेन कैरेक्टर से इस एनिमे का, लेकिन फिर भी उन दोनों के ऊपर ही पूरा का पूरा स्टोरी नहीं दिखाया गया है। लाइक मैं कहना चाहता हूँ ऐसा नहीं है कि उन दोनों के ऊपर ही पूरा का पूरा एनिमे स्टोरी बेस्ड है। साइड में और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत ही अच्छा अपना रोल प्ले करते हैं और एक अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं इस एनिमे में। और सबसे अच्छी चीज ये लगा मुझे कि ये एनिमे एक हाई स्कूल लव के ऊपर बेस्ड है और ये जो दिखाते हैं भाई लोग वो उसको देखने के बाद आप लोगों को बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील आएगा, क्योंकि हाई स्कूल में ऐसे बहुत ही अजीब अजीब चीजें होते हैं जो कि हम लोग फर्स्ट टाइम करते हैं या फिर हमें फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है। तो उन सब चीजों को इस एनिमे ने बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रेट किया है। और सबसे बड़ी बात कि ये एनिमे हर एक अलग अलग टाइप के बॉन्ड को बहुत ही अच्छे से दिखाता है, लाइक फादर एंड डॉटर का बॉन्ड, उसके साथ फादर एंड मदर का बॉन्ड, उसके बाद कोई भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का बॉन्ड, या फिर कहे तो दोस्ती में जो होता है वो सब कुछ अलग अलग टाइप के जो बॉन्ड्स होते हैं उन सबको बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रेट किया गया है और बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। उनके वर्ड्स काफी डीप थे, काफी ऐसे वक्त थे जो कि हमें बहुत ही हंसा रहे थे और काफी ऐसे मोमेंट्स भी है जहाँ पे मैं रो भी दिया था। और तेरी सेंटर में कुछ ऐसे चीजों के ऊपर भी बात किया गया है जो कि एक इंट्रोवर्ट ही समझ सकता है। सो मियामुरा भी ऐसा ही एक बंदा होता है जो कि बहुत ही इंट्रोवर्ट होता है लेकिन होरी आने के बाद उसका लाइफ पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, जिसको कि आप कह सकते हो एक लाइफ सेवर। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसी लड़की आती है तो उसको प्लीज संभाल के रखना क्योंकि होड़ी ऐसी लड़की सबको नहीं मिल रही। सीजन के बीच बीच में तुम्हें बहुत सारे लव ट्रायंगल्स देखने को मिलेंगे और तो और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स भी है जहाँ आपको रोमांस देखने को मिलेगा और जो कि काफी ज्यादा अजीब हो जाता है। एंड आई गेस जब तुम लोग वो देखोगे तो तुम लोग वो डिलीट भी कर पाओगे। और एक चीज मैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूंगा कि ये वाला जो एनिमे ये टोटल मूड चेंजर है। लाइक इस एनिमे में आप लोगों को कोई गोल या फिर मोटिव नहीं देखने को मिलेगा, आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि ये कैरेक्टर कुछ ऐसा अचीव करना चाहता है, ये कैरेक्टर अपने लाइफ में कुछ ऐसा बनना चाहता है, वैसा कोई सीन नहीं है। ये एनिमे पूरा का पूरा एक एक्सपीरियंस के ऊपर है, लाइक आपके स्कूल टाइम में क्या होता था, हाई स्कूल में क्या क्या चीजें आप लोग फील करते थे, उन सब के ऊपर ज्यादा बात किया गया इस एनिमे पे। एंड आप जब इस एनिमे को देखोगे आपके माइंड में कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि ये एनिमे अब खत्म हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। आप चाहोगे कि ये एनिमे और चलता रहे, और भी चलता रहे, क्योंकि
ये एनिमे जैसे हर एक सीन को पोर्ट्रेट करता है, हर एक सीन को जैसे दिखा रहे हैं ये लोग, वो बहुत ही सूदिंग है और देखने में आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। एंड जैसे कि मैंने कहा ये एक रोम कॉम एनिमे है, तो इसके अंदर भरपूर कॉमेडी सीन्स है जो कि आपको बहुत ही हंसा आएगा। एंड ऑनेस्टली गाइस मैं खुल के हंसा हूँ इस एनिमे को देखने के बाद। और तब मैं प्लॉट के ऊपर ज़्यादा डीप इसीलिए बात नहीं किया क्योंकि इसका कोई एक टाइप का प्लॉट नहीं है, ये कोई सीधा लाइन पे प्लॉट नहीं है इसका। कह सकता हूँ कि इसका ऐसा ऐसा हो रहा है बट वो कनेक्ट नहीं करेगा जब तक आप लोग ये नहीं देखोगे। सो सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस एनिमे को जाके देखो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। और तब अगर बात करें इसके एनिमेशन के ऊपर, तो इसका एनिमेशन भी थोड़ा बहुत अजीब लगा मुझे शुरुआत के एपिसोड में, लेकिन आगे जाते जाते मुझे इसके एनिमेशन के ऊपर से कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ इसका स्टोरी एंजॉय कर रहा था, इसके कॉमेडी सीन्स एंजॉय कर रहा था, इसके हार्ट बीट्स एंजॉय कर रहा था और तो बहुत सारे लव ट्रायंगल्स और रोमांस एंजॉय कर रहा था जो कि मुझे बहुत मजे दिए और मेरा मूड पूरा का पूरा ठीक कर दिया। और एक चीज इस एनिमे ने मुझे सिखाया है कि अगर आप लोगों को कुछ भी चाहिए होगा तो आप उसको खुल के बोलो किसी को कि मुझे ये चाहिए, नहीं तो कोई आपके सामने आके नहीं समझ सकता कि आपको क्या चाहिए। सो ये बहुत बड़ी एक चीज़ है जो कि आजकल के टाइम पे लोग उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग सैड होते हैं, डिप्रेस रहते हैं। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा कि इस एनिमे को देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही अच्छा बना एनिमे। बाय द वे इस एनिमे को बनाया है क्लोवरवर्क्स। तो आज की वीडियो बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ जो कि अपने माइंड को फ्रेश करना चाहते हैं या फिर अपने मूड को फ्रेश करना चाहते हैं और एक ऐसा वाला एनिमे देखना चाहते हैं। और प्लीज हमें कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने ये वाला एनिमे देखा है या नहीं, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके अभी देख लो, और अगर आप लोगों ने देख लिया है तो आप लोगों को कैसा लगा होरी मिया वो मुझे कमेंट में जरूर बता के जाना। एंड लास्ट वन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि हमें उसकी बहुत ही जरूरत है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक एनिमे देखते रहिए और चिल करते रहिए। सो टाटा, सी यू लेटर।